सारी दुआएं आप सबके लिए अल्लाह तब के लिए, लिए फरमाए आमीन आमीन सुमा भाई एक तो चिल कंटिन्यूज इन इस्लामाबाद चार दिन हो गए अब uh, एंड इवन दो तो दर्ज हरारत उतना कम नहीं है जितना कोई दस दिन पहले था लेकिन दोबारा थोड़ी सी ठंडक तो एक तो आई है रात के वक्त टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग अगेन टू अबाउट सेवन सिक्स इस तरह करके बट uh, सुबह से अर्ली टाइम से समझ लीजिए रेफरेंस के लिए कि फजर के वक्त से उससे पहले से ही बल्कि हवा चलनी शुरू होती है और ठंडी हवा होती है और वो चलती रहती है दिन भर इज 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 वेरी वेरी नाइस इवन दो द द सन आउट स्काई अ क्लियर क्लियर ब्लू शुक्र तो अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो ट्राई एंड टेक एनर्जी फ्रॉम द क्लियर स्काईजे दिस मॉर्निंग अगर आप इस्लामाबाद में नहीं है और इस तरह का मौसम नहीं है आपके शहर में तो जाइए और देखिए मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप पोस्ट की थी ऑफ द ब्लू स्काइज होपफुली

है, हर साल ये पिछले जितने उसमे सिवाए शायद एक मरतबा के हर मरतबा एक इंटरेस्टिंग कस्म की डिबेट चलती है कि अच्छा है नहीं है पी एस एल का गाना कल मैंने <coughs> बहुत ही आ, क्या बोलते हैं Um, बेहतरीन बात है किसी को पोस्ट करते हुए देखी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए जब जितनी दफा वो चलता है कोई भी गाना यू नो यू का आताउंड वर्ल्ड लाइन जस्ट कम अक्रॉस इज दिस करेक्ट आई वुस रिलेटेडीन आई विल जस्ट कन्फर्म बिकॉज किसी से किस से रिलेटेड इस तरह की बात हो तो इंसान को ट्रिपल कंफर्म करना चाहिए सुपर किंग अच्छा कल एक इंटरव्यू चला और इंटरव्यू के हवाले से लोगों ने अपनी अपनी परसेप्शन के मुताबिक जो है बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सट्रैक्ट की उसमें से यानी जो वो समझना चाहते थे लोग वो आई एम टॉकिंग अबाउट पी टी आई के चीफ जो इमरान खान साहब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया आ, एक बहुत ही जाने माने प्लेटफॉर्म पे एंड उसमें जो एक बात सामने आई उन्होंने जिस तरह डायरेक्ट एक आदि एक आदि क्या एक नाम जो लिया उसके हवाले से बड़ी गुफ्तगु चल रही ऑन दिस डे इन हिस्ट्री तेरह फरवरी को क्या हुआ था उसके हवाले से भी बात करेंगे टेक्स पेस में अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज है जो कि एक आधी चीजें मेरे सामने आई थी उस पर भी नजर डालेंगे लेकिन आई एम आस्किंग यू टूडे रिलेटेड टू काइंडनेस मैंने पिछले हफ्ते भी काइंडनेस से रिलेटेड अच्छे अखलाक से रिलेटेड एक सवाल पूछा था आज मैं आपसे पूछ पूछू कि क्या आपको ऑब्लिगेशन कभी लगती है जब आपके साथ कोई बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आए और कोई अच्छा काम करे आपके लिए काइंडनेस शो करे काम इन द सेंस के रवैया हो सकता है कोई काम हो सकता है कोई गिफ्ट हो सकता है कोई कुछ भी हो सकता है काइंडनेस तो मुस्कुराना भी खैर काइंडनेस होती है लेकिन डू यू एवर फील जब कोई आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है बहुत अच्छा रवैया रखता है कुछ ऐसा काम करता है जो कि आपको लगता है यार ही देखो इसने क्या किया मेरे लिए वो आपके ऊपर भी खैर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के शब्द हैं आप किस चीज को बड़ा या छोटा समझते हैं लेकिन आपको कभी ऑब्लिगेशन फील होती है कि 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 आप उस उस काइंडनेस को रिटर्न करें, यानी एक sort of एक सॉर्ट ऑफ उधार सा आपको आपको लगता है कि आपको भी यू नो शख्स के लिए कुछ करने की जरूरत हैश जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल एन एस यू एल एम एन फिलहाल के लिए good morning pakistan it is unfortunately true you know um, i get very <laughs> emotional <laughs> about <laughs> elderly people passing away matlab jab kisi death hoti hai koi bhi a se guzarta hai to insaan ko afsos to personally buzurg ki यू you नो know, का इंतकाल होता है तो मुझे आई कैन पर्सनली रिलेट टू इट आई थिंक पर्सनली रिलेट एज यू नो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो के, जिनके जो हैं वो एल्डरली एज में हैं तो होने वाली चीज कहते हैं ना हो जाती है और कोई भरपूर तरीके से जिंदगी जिए तो और फिर दुनिया से जाए तो ये समझाने वाली बातें होती है जो हम अपने आप को समझाते हैं एक ऐसा शख्स आई मीन दिस ईयर स्टार्टेड ऑफ विद यू नो जस्ट वेरी सीनियर लेजेंडरी पीपल पासिंग एक ऐसा शख्स जिससे पर्सनल एसोसिएशन हमारी इसलिए है बिकॉज मेरे वालिद साहब ने आ, इनका शो जो है वो प्रोड्यूस किया हुआ बैक इन द डे वर टॉकिंग ऑफ द नाइनटीन लेट सिक्सटीज अर्ली सेवेंटीज की बात है ये तो एक ज्यादा तौर पे एक एसोसिएशन है um, अगर आपको कभी भी लिटरेचर से कभी भी पोइट्री से कभी भी किसी भी किस्म की वेल स्पोकन वेल रिटन पीस ऑफ वर्क से वेदर इन अंग्रेजी और वेदर इन उर्दू आपको अगर uh, शौक है आपकी इंक्लिनेशन है आपका रुझान है आप सुनते हैं पढ़ते हैं तो आपने मोस्ट प्रॉबली कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे तो जया महुद्दीन साहब का लिखा हुआ पढ़ावा कुछ ना कुछ um, कलाम पीसेस ऑफ राइटिंग लिटरेचर जो है वो सुना होगा देखा होगा टेलीविजन पे रेडियो पे um, और तेन टेक्नोलॉजी जब आई तो आपने यूट्यूब एक्सेट्रा पे भी देखा होगा इट इज ट्रू अर्ली मॉर्निंग उनकी तबीयत खराब हुई आई मेरी नजर से गुजरी एकदम स्टूडियो में आने के बाद सुबह के वक्त नहीं है नज़र पड़ी थी मेरी मैं वैसे भी फोन का इस्तेमाल मिनिमाइज मैंने कर दिया है बिफोर कमिंग टू द शो बिकॉज यू नो वो अपने आप को थोड़ा सा समेटना और संभालना और नेचर से अटैचमेंट रखना तो मेरी नहीं नज़र पड़ी है एक आध जो खबरें मैंने पढ़ी हुई थी तो अर्ली मॉर्निंग गालबन उनकी तबीयत बहुत खराब हुई

रीडिंग अटेंड करना ये एक वक्त के साथ साथ जनरली एक अक्वा टेस्ट होता है इस चीज का आप जाके बैठ के सुनते हैं किसी को पढ़ते हुए बोलते हुए उसका अपना ना भी यू नो पीस ऑफ राइटिंग हो तो एंड इट वॉज जस्ट ब्रिलियंट बिकॉज ही रीडिंग इन उर्दू ही रीडिंग इन उर्दू विद द काइंड ऑफ फ्लुएंसी दैट वेरी फ्यू पीपल हैव एंड ही ही रीडिंग रीडिंग इन इन इंग्लिश इंग्लिश तो हम जिस तरह गुफ्तु करते करते अगर कोई कुछ अल्फाज अंग्रेजी के बोलते हैं और फिर कुछ उर्दू के बोलने लगते हैं या चले अगर एक आज जुमला भी मुकम्मल करें अंग्रेजी के और उसके बाद फिर उर्दू की तरफ रुझान या वाइस वर्सा वो हमेशा कहते थे एंड यू ऑलवेज द राइट वर्ड फॉर इंग्लिश एंड फॉर उर्दू ऑलवेज यूज टू से यू डू नॉट सेट अनदर लैंग्वेज इन द मिस्ट ऑफ इट अनलेस कोई ऐसा कोई काम ही ऐसा हो अगर कोई रीडिंग ही ऐसी हो जस्ट रिसेंटली बल्कि कुछ दस दिन पहले की बात है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है आ, वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड पढ़ाती हैं नापा में एंड उनकी और मेरी बात हो रही थी कि उन्होंने एक बीच में ब्रेक ली थी अपने काम से रिलेटेड ब्रेक ली थी तो शी सेड कि जिया साहब ने कॉल करवाया और कहा वापस बुलाओ उसको यू नो बिकॉज ही रिकग्नाइज गुड वर्क एंड गुडनेस एंड माई फ्रेंड इज वेरी टैलेंटेड माशा से अभी तो उनका

बात करने का उनका जो एक लहजा था उनका जो उनकी उनका तलफ उनकी अदायगी उनका एक जो जस्ट एंड फर्मनेस इन वॉइस यू कैन टेल आई सॉन्ग लेकिन मैंने कहा आप लोगों से ये खबर शेयर कर देती हूँ प्लेजर ऑफ सींग एनी ट्वीट भी कर दिया है जो कंफर्म सोर्सेस से अब

टली पॉजिटिव जोन बड़ा चैलेंजिंग होते हैं मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि जो लोग मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं आप जिस तरह हम हैं या खास तौर पे बल्कि मैं कहती हूँ जो न्यूज कास्टर्स यू you नो know, होती है न्यूज चैनल्स पर जो खबरें जो पढ़ रहे होते हैं जो आप तक पहुँचा रहे होते हैं आप क्या समझते हैं कि वो जो एक बिल्कुल पोकर फेस इसको अंग्रेजी में कहते हैं जिसको हम ब्लैंक फेस भी कह सकते हैं उसके साथ जब इस तरह की खबरें पड़ते हैं ना कि चार सौ लोग हलाक हो गए या कहीं कोई इस तरह का वाक पेश आया या जिस तरह तुर्की से रिलेटेड तो खबरें आ रही हैं डू यू रियलाइज हाउ मच इट 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 बिकॉज एबल टू ऑफ मीन सो या थोड़ा सा एक सेंस ऑफ सपोर्ट और अप्रीशिएशन जरूर एक्सटेंड किया करें हम खबरों को तो देख लेते हैं कि कैसी खबर है या ये किस तरह की स्क्रिप्ट लिखी हुई है इंक्लूडिंग हमारे घर में भी होता है हमारे घर में तो इसलिए होता है क्योंकि ताल्लुकी चार में से तीन लोगों का ताल्लुक जो है वो मीडिया से रहा है देन उर्दू के मामले में चूंकि बहुत ज्यादा हमारे वालद साहब पर्टिकुलर हैं तो वो हम पे भी आया हम पे भी इंफ्लुंस आया है उनका अगर वी अगर कोई भी चीज कोई बोल रहा होता है हम सुन रहे होते हैं तो उसको <coughs> अल्फाज की तरतीब जिस तरह दी हुई होती है वो नहीं कभी कभी मुनासिब लगती किसी भी लफ्ज़ को कोई भी हम कहीं भी जगह लगाते थे तो ऐसा नहीं कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता हमारे घर में भी ऐसा होता है लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू टू यू नो एक्सटेंड सम सपोर्ट पीपल जो कि आपको एक बहुत ही सैड किस्म की न्यूज अगर फॉरन पढ़नी और उसके बाद फिर आप लोगों को लोगों हंसना हंसाना है मतलब खुद भी हंसना है और लोगों को भी हंसाना है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है उनकी तस्वीर में देख रही हूँ बार बार यार यू नो आई सी एम अबाउट जाम साहब का इंतकाल हो गया है इक्यानवे साल उन्होंने भरपूर जिंदगी अपनी गुजारी वो ऐसा बेहतरीन काम किया और बहुत सालों से थिएटर जो है वो आ, का हिस्सा रहे हैं उन लोगों को लोगों ने उनको टेलीविजन और रेडियो के जरिए जो है वो और उनकी जो वाबस्तगी रही है रेडियो टेलीविजन से उसके ज़रिए उनको जाना है जिन लोगों ने उनकी रीडिंग्स या उनके सिटिंग्स को अटेंड किया है लोग उस तरह उनको जानते हैं बट एवरीबडी न्यू हु ही वॉज इन दिस इंडस्ट्री जो कि काफ़ी अरसे मौजूद है people don't know they should be known because he was a he was an institution by himself that's what he was and uh, i just realized i just messaged my sister um saying that this happened because as i said um i had forgotten that my sister also did theater recently some years back and he was her teacher also so वर्ल्ड इंटरनेशनल न्यूज एंड लोकल न्यूज के हवाले से काफी सारी चीजें हैं जो सामने हैं क्या क्या है भाई uh, लखनऊ का नाम लक्ष्मण नगरी रखने का फैसला कर दिया गया है चलो ठीक है भाई तुम ही खुश रहो चीन में जापानी सुपर हीरो का चौतीस फुट बड़ा मुजस्मा रिकॉर्ड कायम अच्छा ओके गूगल मैप्स में मुतद नए फीचर्स कराए गए हैं उसके अलावा को डाइपर की तब्दीली के लिए मोबाइल पर अलर्ट देने वाला स्मार्ट तैयार यार नाक से ही पता चल जाना है <laughs> साइंसदानों ने पानी से मुशाबा बर्फ बना ली वॉट इज मुशाबा मुशाबा या, yeah, मुझे, जमीन की तरह दिन और रात रखने वाला एक सैरा दरियाफ्त किया गया उसके अलावा चांदों की दौड़ में मैं कहा चांदों चांदों यानी जो बहुत सारे चांद होते हैं, चांदों की दौड़ में सैरा मुश्तरी फिर बाजी ले गया रेस थोड़ी है यार कुल तादाद बानवे हो गई है अच्छा ओके okay. फजाई आलूद की और डिप्रेशन के खतरा में इजाफे के दरमियान का इंकशाफ किया गया है so कि रवैये के साथ पेश आता है जिसको हम अंग्रेजी में काइंडनेस कहते हैं आपको ऑब्लिगेशन लगती है आपको एक बोझ वो फिर लगता है कि आपने भी वो नॉट एज फेवर वापस करना है बट एक जिम्मेदारी एक uh, क्या कहते हैं उसको uh, नेमत एक अमानत लगती है आपको जब कोई कोई आपके साथ काइंडनेस करता है कि आपको भी वो वापस काइंडनेस करनी है यस नो मे बी जो भी आपका जवाब है हाशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग विद सलमीन के साथ यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल एस यू एल एम डब्ल ऑल राइट देन नॉट ओनली अगली चीज इसका मैं जिक्र करने वाली हूँ वही बात शुरुआत शो की प्लान किसी और तरीके से किया था कि करूंगी लेकिन चूंकि खबर है कैसी आई तो वो पहले शेयर करना शुरू कर दी मैंने हमारी टीम you know, उसके लिए बहुत मानी रखती है वी एसोसिएट विज टूडे इज वर्ल्ड रेडियो डे सो है जिसकी रिलेशनशिप रही है जिसकी एसोसिएशन रही है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके बावजूद के technology इतनी आगे बढ़ी है रेडियो um, है ही एक्सटेंशन बिकॉज ऑडियो का कॉन्सेप्ट जो है यानी कि सुनने के जरिए लोगों से गुफ्तगु करना लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना लोगों को एंटरटेन करना एक्सेट्रा पॉडकास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी की एक एक्सटेंशन है आप देख लीजिए अगर वीडियो पॉडकास्ट जो होते हैं वो अगर लोग नहीं देख पाते हैं तो उसका ऑडियो वर्जन जरूर सुनते हैं बिकॉज देर इज एन एसोसिएशन विथ साउंड एंड यू नो लिस टू वॉट इज बींग सेड तो हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे तो सबको टू एवरीबडी आउट दैर हु इज ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड ऑल्सो हु इज लिस टू आर शो टूडे एंड दस साल मुझे हो गए हैं रेडियो की एसोसिएशन मेरी जो झाती तौर पर रही है वो दस साल से रही है लेकिन उससे भी ज़्यादा लंबे अरसे से इसलिए रही है रेडियो की एसोसिएशन क्योंकि बिल्कुल हम उस जनरेशन का हिस्सा हैं जो कि रेडियो और आ, ये क्रिकेट और हॉकी की कॉमेंट्री जो है वो गाड़ी में हमारे पास एक, एक एफेक्स होती थी उसमें हम सुना करते थे आ, जब हम कहीं जा रहे होते थे बिकॉज हमेशा ही स्पोर्ट्स आ, से एक ताल्लुक़ राय एसोसिएशन रही है तो गाड़ी में रे, रेडियो को ट्यून इन करके कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एम एफ एम भी डिफरेंट चीजें होती क्योंकि उस वक्त एफ पे नहीं उस वक्त ए चैनल्स पे जो है वो आ, आती, आती थी कॉमेंट्री उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये कि हम सुनते थे अपने वालदे से कि कितना कुछ पूरे पूरे ड्रामे उन्होंने बत, हमें बताए हैं कि यू नो दे यूज टू बी एबल टू लिसन टू इट पूरी पूरी कहानियां एसेट्रा एंड देन माई सिस्टर Uh, who became and still is known as one of the most amazing people people uh, fm industry se rahai, private fm industry se. she became my inspiration and then I became uh, an inspiration for so many people uh, thanks to the love and the support of very very happy world radio day to everybody jo ke sunta rahai, rahai, feedback आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमिंग अप इज द टॉप ऑफ दर बिट आज ही ऐसा है अब सारे दिल टूटे गाने क्यों आज लगे हुए हैं? होली होली ते लगे प्यारी ते जुदाई नहीं जुदाई तो नहीं भाई किसी से करनी है अब हमने am I leaving you with? चलो, सुनते रहिए कॉफी विद सलमीन अंसारी

उसके बाद वी हैव टू लर्न टू मूव ऑन बिकॉज अगेन दैट इज लाइफ समटाइम बैठ के दिल जा रहा है काम पे काम पे भी हो ये मैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रही हूँ इवन अगर आपको ऐसा नहीं कि कॉन्फ्रेंस में आप बोर्ड मीटिंग के दरमियान आप यू नो गुस्सा कर ले रोना शुरू कर दे बट इवन अगर आप काम पे हो एज इनके नौकरी पे हों

नास्टियस्ट वर्जन और द मोस्ट ब्रोकन वर्जन ऑफ योर सेल्फ मीनिंग टू से आप शायद एक बहुत नरम मिजाज शख्स हो बहुत खुश मिजाज शख्स हों बहुत पॉजिटिव शख्स हो लेकिन पॉजिटिव टॉक्सिक पॉजिटिविटी जिसको कहते हैं जबरदस्ती का पॉजिटिव होना क्योंकि लोग आपको कहते हैं यार ये तो सब चलता रहता है दिस इज ऑल अबार्ट द गेम एट्सेट्रा लाइक सम्बड़ी टोल मी रिसेंटली के भाई हमें जो चीजें नॉर्मल लगती हैं

रवैया और आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा आपके घर में अगर आपकी जिम्मेदारियां नहीं थी वन यू अंग यू आर अ डिफरेंट पर्सन एटसेट्रा एनी हाउ बट वट एवर योर बैकग्राउंड और वट एवर योर चाइल्ड हुई यूथ लाइक आपकी जवानी जैसी भी हो या आपका बचपन जैसा भी गुजरा हुआ हो आप एक इंसान है जिसको अल्लाह तला ने ये नवाजा है इस सलाहियत से कि आप हर तरह की चीज महसूस करें जब अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है अब उस चीज का इजहार हर वक्त हर एक के सामने नहीं हो सकता बट रिसर्च से हैपीएसट पीपल लेस ऑफ मे बी जो दिखावी चीजें होती हैं बड़ी फैंसी बिल्डिंग है और बड़ी सहूलते हैं बिल्डिंग के अंदर इदारे जो होते हैं उससे ज्यादा वे यू आर अलाउड टू हैव अ वॉइस वे यू आर हर्ड वे यू फेल्टू आर हर्ड एंडिंग इज डन अबाउट इट जिन इदारों में लोगों की बात सुनी जाती है जैसा टाउन हॉल मीटिंग होते हैं बहुत सारे इदारों में राइट right? um, टाउन हॉल मीटिंग का फायदा तब होता है जब वो फीडबैक को कंसिडर किया जाता है सबसे पहली बात सुनना एंड टाउन हॉल में सिर्फ सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ लोगों को नहीं शामिल होना चाहिए एनी बडी शुड बी अलाउड टू स्पीक अप एजेंडा बेशक बनाया जाए इफ यू फॉर एग्जाम्पल मैं टाउन हॉल कह रही हूँ कि टाउन हॉल मीटिंग जिस तरह होती हैं कि आपकी आवाज सुनी जाती है जिस तरह गाँव में या जिलों में कस्बों में जो है वो पंचायत बैठती है ठीक है या ओपन uh, कचहरी का जो कॉन्सेप्ट है ठीक है जो कि डीसी वगैरा कंडक्ट करते हैं किसी सिटी में व्हाट्स द कॉन्सेप्ट द कॉन्सेप्ट इज यू फील हर्ड ठीक है सबसे पहली बात कि आपकी बात सुनी जाए चुप करके उसको रिफ्यूट ना किया जाए इमीडिएटली उसको निगेट uh, ना किया जाए इमीडिएटली उसको ये ना किया जाए ऐसा तो कोई बात नहीं है दैट्स द पर्पस इज कंप्लीटली किल्ड यू नो इफ यू होल्ड सच अ सेशन एंड यू निगेटेड देयर एंड देन दूसरी चीज ये अगर कोई एक ऐसी चीज है जो एक शख्स पॉइंट आउट कर रहा है या ज्यादा लोग लेकिन इट मेक सेंस मेक सेंस इन द सेंस कि सिर्फ एक इंडिविजुअल शख्स की नीड को एड्रेस नहीं कर रहा है एक ऐसी चीज है जो कि जो तौर तरीके हैं जो निजाम है जो सिस्टम है एक शख्स के नजरिए से भी दूसरे लोगों का फायदा हो सकता है और बहुत सारे लोग अगर एक कॉमन चीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो तो और भी ज्यादा एक रुझान होता है कंसर्न मैनेजमेंट का या कंसर्न अथॉरिटीज का कि वो उसको यू uh, नो you know, नजरअंदाज ना करें <coughs> तो जब वो उस चीज के बारे में पॉसिबल होता है कुछ किया जाता है तो देन तो जहां पे आप घर में भी अपने देख लीजिए जब आपके बच्चों को ये लगेगा दैट यू आर हर्ड दैट यू हैव हर्ड दे हैव सेट जब आप कि आपकी औलाद को यंगर बहन भाई को छोटों को ये लगेगा कि आपने उनकी बात सुनी है या बड़ों को बुजुर्गों को लगेगा आपने उनकी बात सुनी है नॉट कि आपने बिल्कुल मुतजाद जाके कर दिया बट यू जस्ट क्वाइट यू नो एंड देर आर लॉटर टाइम्स जब हम हमें बहुत शोर होते हैं कि जो हम कर रहे हैं यानी हमें बहुत एक कॉन्फर्मेशन होती है हम जो कर रहे हैं वो सही है लेकिन जब कोई एक और नजरिया लेके आता है तो वो शख्स यू नो सिट बैक एंड देन री कहाँ से मैंने बात शुरू की थी इमोशनल एक्सप्रेशन अच्छी बात है बुरी बात नहीं है हाँ कहाँ आप किस चीज का को जाहिर करते हैं या उसका मुजाहरा करते हैं ये आपको एक जांचना होता है और ये वक्त के साथ साथ ही इंसान को इस चीज़ की समझ और इस चीज़ की तमीज आती है सो इट इज एप्सोलूटली ओके टू फील वॉट यू फील वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से मैं बात कर रही थी कि आज वर्ल्ड रेडियो डे है एंड इट्स यू नो इट्स वेरी चैलेंजिंग टू कीप योर सेल्फ अब्रेस्ट ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजी इन ऑल द अपग्रेडेड थिंग्स आर आर हैपनिंग बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने इतने सारे लोगों की जिंदगी में इतनी खुशियां फैलाई हैं एन आई एम सो आई फील प्रिवेज टू बी ए पार्ट ऑफ दिस कम्यूनिटी ऑफ दिस सिस्टम जो कि लाखों लोगों की मतलब मेरे शो के जरिए जैसा मैं कहती हूँ सुबह सुब के वक्त अगर दो सेकंड का भी सुकून मिल जाता है आप लोगों को इस गुफ्तगुज से इस सेशन से आई थिंक डन द जॉब राइट बट मैं क्रेडिट दूंगी इस प्लेटफॉर्म को इस कम्युनिटी को जो कि अभी भी चलती चले जा रही है और आप पूरा कमर्शल ब्रेक वापस आएंगे बात करेंगे आज के सवाल के हवाले से अगर आपके जवाब आते हैं वो शामिल करेंगे टेक्स्ट बेस के हवाले से रेडिट के हवाले से एक अपडेट है तुर्की सीरिया की न्यूज के हवाले से एक अपडेटेड यहीं से मैंने ये बाय द वे कहानी शुरू की थी कि कोई चीज पढ़ते हैं तो इंसान मुतासर तो होता ही है एंड ऑन दिस डे इन हिस्ट्री आज की तारीख के हवाले से अगर बात करें तेरह फरवरी को क्या क्या हुआ था कुछ रेलिवेंट हुआ तो जरूर शेयर करेंगे इसके बाद स्टेट ऑल वाइन कमिंग बैक टू वेपनिंग अराउंड के हवाले से अगर बात की जाए तो चैट बॉट बैन

तो ये भी होगा फिर खैर वक्त के साथ साथ go uh, वही बात कि जब कोई भी चीज नहीं, नहीं, नहीं आती है तो उसको अपनाने से पहले थोड़ा सा इंसान को खुद की समझ जांच पड़ताल एंड द रश ऑफ वी वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इज एग्जैक्टली आपको कभी भी लग रहा हो ना कि दुनिया में क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है दुनिया में हम इस तरह बात करते हैं ना Ever, if ever you feel this, please understand that if you are a part of the group of people, the very big population who believes in rushing towards things when they become popular or are, people are you know constantly um, being attracted towards deliberate intended marketing which attracts them towards certain things in the world and this consistently keeps happening whether it's food or fast fashion or technology etc that's exactly what's happening in the world. I translate it. In the world because everything is very you know, whether we talk about you know bitcoin, whether we talk about NFTs, whether we talk about. चैट जीपी टी जो के बड़ा पॉपुलर हो रहा है और um, you know, कंसिस्टेंटली well लोग भी ऑन ट्विटर एंड ऑन लिंक चैट इज़ नॉट दी ओनली ए आई बेस्ड टूल गुड फॉर यू इसके से पहले से भी मौजूद है बट या काफी रेलिवेंट लोगों को लग रहा है काफी हवाले से अपनी जांच कीजिए प्लीज हाउ रेलिवेंट इज इट फॉर यू उसके क्या कोई क्या, क्या बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसिस क्या हैं एक्सेट्रा हम फैशन खाना कोई भी नई जगह होती नई चीज़ होती है नया शौक होता है आ, उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं हम उसमें टाइम एनर्जी अपनी तोानाई अपना पैसा अपना वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट ही होती है ना ये तो जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन दुनिया भर में अगर ये काम कर रही है कि जो भी जल्दी जल्दी नई नई चीज आ रही है और चूंकि वो नई नई चीजें बनाने वाले लोगों का मकसद ये है कि हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएं उसकी तरफ तो हमारा जब वक्त और हमारा हमारी तवानाई और हमारा पैसा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है और फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है उसकी जिंदगी इतनी सी होती है तो इसको इस चीज़ के साथ जब हम एसोसिएट करते हैं ना यार दो दिन की तो जिंदगी है तो मजे ले ले मजे बेशक ले ले लेकिन सिर्फ मजे लेते 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 पैसे भी आपके कहीं जा रहे हैं और उससे कुछ आपकी कोई सॉरी उससे, उससे आपकी कोई वो नहीं बन रही है टक्कर हो जाती है ये माइक से बार बार तो लिपस्टिक लिपस्टिक लग जाती है इसके ऊपर सॉरी क्या मैं कह रही थी हाँ कि आपकी एनर्जी कॉन्स्टेंटली अगर इन्वेस्ट हो रही है ज्यादा हो रही है नई नई चीजों को आ, अपनाने में ना के नए नए तौर तरीकों को या ऐसे तौर तरीकों को एम्ब्रेस करने में या अपनाने में जिससे जिंदगी सेहत लाइफ दूसरों का मफाद कम्युनिटी डेवलप इस तरह की अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं इफ़ यू जस्ट टेकिंग इन कॉन्स्टेंटली तो यही तो रहा है दुनिया के साथ हम कहते हैं ना क्या हो गया है दुनिया में जो नई चीज़ आती है उसको हम अपना लेते हैं जिसका मतलब है कि हमारा सबर जो बड़े लोग हुए, उनका और इख्तलाफ या उनकी तजवीज क्या है नए नई पौध से रैट रेस इज नॉट समथिंग दैट इज अ गुड थिंग हम कहते हैं ना रैट रेस यानी बड़ा कंपटीशन है जल्दी जल्दी करना है पीछे रह जाएंगे वर्ना सबर के साथ कुछ चीजें आनी होती हैं और हर चीज को नहीं अपनाना होता बेसिकली ये मैं कहने की कोशिश कर रही हूं बिकॉज वो सबर अगर आप किसी एक चीज में जल्दबाजी करते हैं या आप रवैया ये रख लेते हैं कि चाहे हम पहले फैशन खरीद यू नो फैशनेबल चीज कोई खरीदे पर हम सेल में से जरूर वो कर लें नया रेस्टोरेंट है हम पहले चले जाए या नया टूल आया हम जल्दी से उसको अपना लें क्योंकि हम पीछे रह जाएंगे यू द मोर यू डू दिस और आपको लग रहा होता है आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है जो हो रहा होता है आपके बाकी जिंदगी के इतनी तो कंपार्टमेंटलाइजेशन कोई नहीं कर पाता ना कि आपके बाकी जिंदगी के हिस्से जो है वो उससे मुता नहीं होते हैं हम उठा के अपने दिमाग का कोई ब्रेन का एक हिस्सा अलग बाहर तो नहीं वेकेशन पर डाल देते हैं जब हमारी ब्रेन इस तरह के सिग्नल जो है रिसीव कर रही होती है तो वो इम्पेश्स जो है वो बेसब्री जो है हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है

नो नॉट रनिंग द वर्ल्ड द यूथ इज बट वी आर वेरी मच रेलिवेंट पार्ट ऑफ इट तो ये बेसब्री फिर आपके काम की तरफ भी जाएगी आपके सेहत की तरफ भी जाएगी आपके बच्चों की परवरिश की तरफ भी जाएगी दुनिया में जल्दी जल्दी जो भी आता है उसको इस बात पे कोई भी मुझसे डिबेट कर ले आई एम वेलकम यू टू डिबेट विथ मी ऑन दिस टेक्नोलॉजी और नई चीजों का मतलब ये नहीं है और एक जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि एक तो हर चीज हरेक के लिए और दूसरा उसको समझे बगैर उसको अपनाया जाए मतलब दस रुपए का सस्ता अगर साबुन आपको कपड़े धोने वाला मिल रहा है और वो कह रहे हैं एड में कि तो वॉशिंग मशीन में भी काम आए अब हाथ से धोने की कोई, कोई 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 वो नहीं है जरूरत नहीं है आप आपता ना भी हो आप दो मिनट समझें तो कि वो इतनी चमक दमक वाला इश्तहार क्यों आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिखा रहे हैं हर एक वॉशिंग मशीन के लिए क्या वो पाउडर चलेगा? आप दस रुपए बचाने के लिए आप अपने दस घंटे कहीं जाया तो नहीं कर रहे आपके कपड़े कहीं जाया तो नहीं हो रहे क्या वो इतना तेज कहते ना इतने से पाउडर में इतनी सारी धुलाई अरे भाई कपड़े का चिथड़ चि, बन जाता है एकदम चिचड़ा जैसा बन जाता है कपड़ा इतना स्ट्रॉन्ग पाउडर आने लगा है तो ये तो देख लीजिए दस रुपए बचा रहे हैं और इतनी चमक धमक वो आपको दिखा रहे हैं आपकी जिल्द कितनी बुरी तरह मुतासर हो रही है अगर आप बर्तन उस तरह के धो रहे हैं एक कतरे से कौन सी कड़ाई जो है साबुन की जो है वो धुलती है मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल स्पॉन्सर्स आई अंडरस्टैंड आई एम जस्ट सिंह अपनी भी थोड़ी सी समझ को इस्तेमाल कीजिए चीजें हमारी सहूलतों के लिए ही बनाई जाती हैं हमारी सहूलत के लिए ही बनाई जाती हैं लेकिन मकदार मैार कौन क्या कैसे क्यों हम जांच पड़ताल अपनी बाकी जाती जिंदगी में नहीं करते नौकरी चाहिए होती है तो हम जांच पड़ताल नहीं करते रिश्ता बांध रहे होते हैं तो जांच पड़ताल नहीं करते हैं तो जो सारी चीजें हम अपनी जिंदगी में रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं हाउ केन वी इंडोस वेदर इज समथिंग इट्स अ फोन और वेदर इट्स अ सॉफ्टवेयर और वेदर इट्स एप वॉट एवर इट मे बी यू नीड टू बी एबल टू रेकी थिंग्स कल मैंने लिंक्डइन पे एक रीशेयर किया था एक बेहतरीन कसम की वीडियो एक लड़की ने जो बनाई है रिलेटेड जो ले हो रहे हैं ठीक है आप जब किसी कंपनी का उसने बिल्कुल सही कहा मैंग फैंग करके उसने इस तरह बात की और मैं मैंग फैंग इदारों की बहुत दफा बात कर चुकी हूं कि ये मोस्ट शॉर्ट ऑफ्टर आफ्टर इदारे होते हैं यानी ऐसे इदारे जो कि लोग एस्पायर करते हैं कि कम से कम इनमें से एक इदारे में ही इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं एक मरतबा तो कम से कम जिंदगी में काम करने का मौका मिले क्योंकि वो क्या काम ऐसा मैारी कर रहे होते हैं उनका जर्नी ऐसा रहा होता है लेकिन उससे भी ज्यादा क्योंकि वो बड़ी कंपनीज होती हैं और उनका इम्पैक्ट बड़ा होता है ग्लोबल होता है बैनवा सतह पर होता है उनके सिस्टम्स प्रोसेसिस पॉलिसीज बेनिफिट तो चलो अट्रैक्टिव होते ही हैं बट इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्केल एट विच दे इम्पैक्टिंग सो मेनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट दे आर नो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर इदारा जिसको हम शायद बुरा भुला कह रहे हो कि उन्होंने ले ऑफ कर दिया है पीपल बिकॉज जहां बिल्कुल जस्टिफाइड है कि आप एक अच्छे इदारे के साथ काम करना चाहते हैं आपने कितना उस वक्त वर्ल्ड अफेयर्स को स्टडी किया है आपने क्या समझा है कि इस इदारे ने कहीं कोई नया वेंचर तो नहीं निकाला है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट बहुत सारी कर रहे हैं बिकॉज कंसिस्टेंटली सो मेनी कंपनीज हैव डन दिस कि उन्होंने एक्सपेंशन के नाम पे बहुत सारे लोगों को हायर किया और कोइंसिडेंशली कम अज कम तीन उनमें से ग्लोबल कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने पैसे को अपने वक्त को अपने वसाइल को एक्सक्यूज <coughs> मी एक नए बिजनेस यूनिट में इन्वेस्ट किया जब वो चीज नहीं इतनी वर्क अराउंड की तो उसके कॉन्सिक्वेंस में लोग लेफ हो जाते हैं ये वाहिद वजह नहीं है बट दिस इज वन ऑफ द मेनी रीजन सो जहां इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सिर्फ फैंसी टी शर्ट्स कप्स मगों और बोतलों से ना अट्रैक्ट करें ठीक है वहां एंप्लॉयी की जिम्मेदारी है कि उसने कितनी रकी की है कि ये कंपनी इसकी आ, अगर पब्लिक यू नो इट्स अ पब्लिक कंपनी जिसको आप स्टॉक मार्केट पर डाल सकते हैं क्या उसके स्टॉक्स किस तरह के आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस आई एम जस्ट सजेस्टिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स कुछ दू you नो know, जाने माने लोगों ने भी समझाई है um, उनके स्टॉक्स और शेयर्स की ट्रेडिंग किस तरह की चल रही है वो उनकी कई इन्वेस्टमेंट तो नहीं चल रही है वो किसी और मुल्क में एक्सपैंड तो नहीं कर रहे हैं उन्होंने उनका लास्ट ले um, किस मैग्नीट्यूड का था एक्सेट्रा आई एम ट्राइंग टू से आप फ्रॉम द साबुन दैट यू बाय टू दंपनी टू द इक बिकम अ पार्ट ऑफ आपने कितनी मेहनत की समझने के लिए कि ये क्या करता है बाद में आके कंप्लेन करने के बजाय हमारे तो लिए बड़ा गड़बड़ हो गया खुद की भी तो जिम्मेदारी उठाना शुरू करें दैट इज द मैसेज छोटी छोटी चीजें होती हैं, उसी चीज से पे इंसान जो है वो बहुत चिड़ सकता है और उसी चीज पे इंसान हंस भी सकता choice, right? like भी होता है आपके साथ कोई मैसेज टाइप कर रहे हो गलत टाइप हो जाए

आप हंस भी सकते हैं कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ हालात पे हंसना हर जगह जहाँ मुनासिब नहीं होता वहां हालात पे हर जगह परेशान होना या चिड़ना तो बिल्कुल ही मुनासिब नहीं होता तो यू नो चूज योर हार्ड जिसे कहते हैं ना कि जो मुश्किल है वो ये भी मुश्किल है और वो भी मुश्किल है तो चूज योर हार्ड योर हार्ड मीनिंग के वट काइंड ऑफ डिफिकल्टी आई यू वॉन्टिंग टू अडॉप्ट एंड मेक इट योर ओन एंड मेक द बेस्ट ऑफ इट आज के सवाल के हवाले से जो थोड़े बहुत जवाब आए हैं मेरा मकसद ये था आज का पूछने का कि मुझे कभी कभी लगता है जाती तौर पर um, अगर मैंने कुछ किया है तो आई डो नॉट है कोई मेरे लिए वो ही चीज करे लेकिन आई थिंक शायद सब कॉन्शियसली मेरे दिमाग में एज ए रजिस्टर बन जाता है जब ज्यादा एनर्जी तो रिसोर्सेस लव एसोसिएशन यू नो जब लगाव आपका ज्यादा होता है किसी से या तो ज्यादा होती है और आई थिंक मेरे साथ भी होता है कि वो मेरे दिमाग में चूंकि रहता है कि मैंने किया नॉट बिकॉज मैंने किया किसी के लिए बट आई रिमेंबर वट आई डन यू नो बिकॉज वो एक अच्छी मेमरी रह जाती है आप अपने आपको एक कॉन्फिडेंस इस तरह दे रहे होते हो अपने आपको इनकरेज कर रहे होते हो आई डिड दिस पर्सन बिकॉज यू आर ट्राइंग टू री आफर्म दैट आई डिड दिसम गुड परसन एन यू नो एम डूइंग गुड थिंग्स बिकॉज आप कभी कभी अपने ऊपर बहुत सख्त जाते हैं तो आई थिंक उस चक्कर में शायद कभी कभी अगर कोई दूसरा शख्स उस तरह का रिस्पॉन्स ना दे या अपने आप को अवेलेबल ना रखे आपके लिए अवेलेबल हो ना तो आपके दिमाग में कभी कभी चीजें अजीब तरीके से चलने लगती हैं दैट्स आई यू तो वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं आ, हमेशा ऐसा नहीं होता द काइंडनेस कुड बी पे बैक ऑफ द गुड एक्ट्स और डीज यू डिड टू दैट पर्सन इन द पास्ट और योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन टिट फॉर टैट ट्रांसेंडेडरेंजमेंट यू कुड रिटर्न दैट काइंडनेस इन अदर वेज यानी दुआ करना अच्छा ओके okay. कि आप मे बी कभी किसी ने पहले आपके लिए कुछ किया आप किसी और तरीके से वापस करो तो और कभी कभी हाँ होते हैं कि यार उसने हमारे घर आके इतना कुछ यू you नो know, किया था कोई मौका ऐसा हुआ हमें भी करना चाहिए अगर उसके लिए वो मौका आ, आपको ढूंढना पड़ रहा है तो आप ढूंढ भी सकते हैं कभी मौका आ जाता है तो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर मैसेज कि डिपेंड करता है और कभी कभी कोई आपके लिए कुछ कर देता है और आप जवाब में उसके लिए दिल से दुआ कर सकते हैं तो मुसार कहती हैं गुड मॉर्निंग काइंडनेस इज ऑलवेज अ रिवॉर्ड

एक सेल्फ रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का सवाल था जनरली इट बेस्ड ऑन साइंस एंड रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल आई थिंक दैट मेरी कुछ लोगों से और जो जितना करीब होता है शख्स मेरी जिंदगी में शायद उस तरह आई डू बिलीव इन ने की कर दरिया में डाल आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो की कोशिश हमेशा ये होती है कि नेचुरली यू नो जो भी हो रहा है वो करे और मैंने वक्त के साथ साथ अपनी एनर्जी थोड़ी कंजर्व करना शुरू की है बिकॉज फिर वो आप, आप जितने भी यू नो गोइंग इंसान हैं आपकी लग जाती है। लेकिन चूंकि कोई चीज को नहीं होती है मैं इसलिए ये सवाल आज पूछ रही थी इतफाक नहीं होता है तो आप किसी के लिए काइंडनेस में अगर कुछ कर रहे हो और अपने आप को आप महीने में एक बार चार महीने में एक बार या अक्सर अवेलेबल रख रहे हो कोई शख्स जिससे आपका बहुत अच्छा रिश्ता हो तो उस शख्स की अवेलेबिलिटी या रिस्पॉन्स या रिटर्न ऑफ काइंडनेस अगर आप या कुछ भी एनी थिंग फ्रॉम दैट पर्सन इफ इट बिकम वेरी क्या बोलते हैं यू नो लाइक आप मिलो तो बहुत अच्छे से मिलो आ, वो शख्स आपके लिए कभी कभी बहुत यू you नो know, बहुत ही ज्यादा Uh, प्यार मोहब्बत का रवैया रखे लेकिन अगर आपको कभी कभी लग रहा है कि आपने ज्यादा किया है वो मेजर करने वाली बात दैट्स क्वेश्चन केम टू माइंड कि आपने बहुत ज्यादा किया है वो शख्स नहीं कर रहा है तो आई थिंक ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है कि आप इस तरह की मेजरमेंट रख क्यों रहे हैं। हम चूंकि इंसान है तो हम तो ये कह देते हैं चलो इंसान है यू you नो know, इंसानी फितरत होती है लेकिन दिस इज अ करेक्शन फॉर मी आल्सो ऑल्सो मिसाल के तौर पे अगर मुझे लग रहा है खर मां बाप के लिए तो जितना इंसान करे कम है मिसाल के तौर पर कह रही हूं कि मैंने बहुत कुछ किया ठीक है मैं कर तो रही हूँ कंसिस्टेंटली कर रही हूं तो उसको एक्नोलेज क्यों नहीं किया जा रहा या उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं किया जा रहा फर्ज करें अगर मैं इस तरह सोचू या आप इस तरह सोचें तो फिर ट्रांजेक्शनल क्यों रख रहे हैं हम हम अपने ऊपर सख्ती नहीं कर रहे हैं हम अपने रिश्तों को थोड़ा क्या कह रहे हैं लिमिट नहीं कर रहे हैं इस तरह सो दिस दिस अ अ इज क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग नाउ के जहां गट फीलिंग को डिनाई नहीं करना चाहिए और अगर आपका गट कह रहा है कोई आपको उस तरह, आपकी तरफ या वो यू नो रिलेशनशिप नहीं रखता या माइंड नहीं रखता दिन लव और रिस्पेक्ट यू बट योर लव एंड रिस्पेक्ट इज अ डिफरेंट लेवल जहां आपका गट जो कह रहा है उसको सुनना चाहिए वहां अपने गट को शायद ये भी समझाने की जरूरत है कि इस शख्स की तरफ इतना लगाव ही ना रखो बेसिकली आज के सवाल का ये मफहम था